अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस माइक आर्म और इस पॉप फिल्टर की। तो इसको हमने बहुत ही चीप प्राइस में बाय किया है। कहाँ से क्या है, कैसे क्या है, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. यह है हमारा माइक आर्म और हमने इसको पूरा हमारे टेबल के अंदर सेट कर दिया है। ये हम चाहे तो उस तरफ कर सकते हैं, चाहे तो मैं नीचे कर सकता हूँ, सामने कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, जिस तरफ मैं बैठा हूँ उस तरफ कर सकता हूँ, यहाँ कोई इससे यहाँ से भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ पॉप फिल्टर के बारे में। अगर आप इसके अंदर पॉप फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इसके दोनों छड़ी में से एक में लगाना है। इसको दोनों के ऊपर नहीं लगाना है, नहीं दोनों ये सिकुड़ जाएगी। आपको एक के अंदर लगाना है। अगर ऊपर वाले में लगाना है तो इसको इस तरीके से करके ऊपर लगाना है, लेकिन आपको लगाना है सिर्फ एक के अंदर। तो मैंने जो अपना पॉप फिल्टर है वो कुछ इस तरीके से लगा दिया है। फिर मेरे पास था बोया माइक, तो बोया माइक इसके अंदर इंस्टॉल नहीं हो रहा था और मेरे को एक स्क्रू की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं ट्राइपॉड थ्रेड स्क्रू। वो 200 रुपये के करीबन आता है, तो मैंने वो बाय नहीं किया। मेरे पास एक फॉर्म था, उसको बोया माइक पर लपेट के इसके अंदर डाल दिया है। अब यह पूरे तरीके से इसके अंदर फिट है। अगर आपके पास दूसरा वाला स्क्रू है तो आप स्क्रू में लगा सकते हैं, अगर दूसरा वाला माइक है तो। फिर आपको यहाँ से इसको इंस्टॉल करना होता है, जो यहाँ पे गोल गोल करके मैंने कर दिया है, यहाँ से पूरा फिट है। फिर दूसरी चीज़ होती है यहाँ की, तो आपको ये वाला पार्ट अलग से मिलता है। तो आपको जो ऊपर वाला आर्म का पार्ट है वो इसके अंदर डाल के स्क्रू को टाइट कर देना है, जिससे इसके अंदर पूरा फिट हो जाएगी। फिर आपको टेबल के अंदर डाल के इसके स्क्रू को पूरा टाइट कर देना है। फिर आपको इसको जैसे रखना है वैसे रख देना है। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है इसका। और उसके बाद आपका माइक काम है वो पूरे तरीके से फिट हो जाएगा। फिर आप बैठ के जो चाहे वो बोल सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करें, वीडियो बनाएं, कुछ भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैं इसको इस तरीके से करके फिर रख देता हूँ यहाँ पर। But it tastes bittersweet, oh.